सभी बच्चों को नमस्कार बेटा, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम जिन जिन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उसके बाद हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य कुछ खास बातों के ऊपर रहेगा। एक तो ये कि मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू को छोड़ करके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ साझा किए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर में जा करके देख लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही आप चैनल खोलोगे उसमें प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट में आप देखना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के डाले हुए हैं। पीजी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बहुत जल्दी साझा करूंगा, पुराने पेपर भी बहुत जल्दी साझा हो जाएंगे। एक दो दिन का टाइम आप मुझे दे दो, उसमें मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा जिन बच्चों के प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार का कोई इशू है वो रूम नंबर 101 में यूनिवर्सिटी चले जाएं और वहां जाकर के उसको ठीक करा लें। आप लोग ई मित्र के माध्यम से फॉर्म की प्रिंट दोबारा निकाल सकते हैं यदि कोई दिक्कत हो तो आपको, और जनरल डिटेल से भी ये चीज़ें निकल जाएंगी तो कोई मेजर इशू नहीं है। एक मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि कई प्राइवेट बच्चों का जो है सेंटर चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल कहाँ होगा, कैसे होगा। एमए के बच्चों के एडमिट कार्ड और टाइम टेबल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के संवाद कायम करना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, 5-7 मिनट में हम लोग अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, समअप करने का प्रयास मैं करूँगा। देखिए, नंबर वन पहला पॉइंट यह है कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए वो अपना एक प्रकार से शेड्यूल्ड बहुत अच्छे से देखें। कंपलसरी के पेपर एक दिन में दो होंगे, इसको लेकर के बहुत से बच्चों के मन में डाउट था, तो मैं आपको बता दूं कि कंपलसरी के पेपर आजकल एक दिन में दो ही होते हैं। पिछले साल से या उससे पिछले साल से ये परिवर्तन हुआ था, एक साथ दो पेपर करने का। आई थिंक मुझे ध्यान है कि शायद 2019 में ये पहली बार हुआ था, और उसके बाद 2022 में, क्योंकि 20 और 21 में पेपर नहीं हुए थे कंपलसरी वाले। तो ये जो है ना, ये पैटर्न जो है आजकल है कि एक घंटे में आपके 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के। तो ये कंपलसरी में जो दो एक दिन में दो पेपर है उसका समाधान तो शायद आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, वो आसानी से हो जाएगा। आपको OMR sheet एक ही मिलेगी, पेपर दो मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर को आप उसके हिसाब से कर लोगे तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा। नंबर वन, ये कंपलसरी का डाउट दूर हो गया। अब हम लोग बात करें, किसी के एडमिट कार्ड में फोटो सिग्नेचर नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी जाकर के ठीक करा लें। एक चीज और, आपको दो कॉपी निकालनी पड़ रही है, एक कॉपी होती है सेंटर कॉपी, एक कॉपी होती है स्टूडेंट कॉपी। तो मुझे बाकी कॉलेजों का पता नहीं, हमारी कॉलेज में आप सिर्फ स्टूडेंट कॉपी लेकर के आए, सेंटर कॉपी लेकर के नहीं आए, उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक ही कॉपी लानी है आपको और वो है स्टूडेंट कॉपी। सेंटर कॉपी आप अपने घर रखें या प्रिंट ना लें तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रिंट लेकर के रख लें, क्योंकि आपको बाद में एक प्रकार से आपके पास वो सुरक्षित रहेगा और ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूँगा एक तो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, BSc और BCom दोनों ही BSc और BA दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए। देखिए, BSc के स्टूडेंट्स से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग जो है मेरे सामने, तो हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम के बीच में तो मुश्किल है होना, बाद में ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अपने परीक्षा केंद्र पर, यानी जहाँ आपका सेंटर आया है या जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, वहाँ पता जरूर कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आपको अपने कॉलेज के निरंतर संपर्क में रहना पड़ेगा। JDP के बच्चे मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रह सकते हैं, बॉयज कॉलेज के भी रह सकते हैं, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं वहां से भी सूचनाएं आप लोग के साथ साझा करने की। प्राइवेट बच्चे जो हैं उनके प्रैक्टिकल कहाँ होंगे, ये एक अलग प्रश्न है जिसका समाधान अभी नहीं है। मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में ये चीज़ क्लियर करके बता दी जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ था और कहाँ आया है और प्रैक्टिकल्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो इसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा जो है बहुत जल्दी आप लोगों के साथ कर लेंगे, जिससे कि आपके मन में के जो डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं उनको बहुत जल्दी शीघ्रता से दूर किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, PG वाले जो बच्चे हैं उनका क्या? देखिए, MA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, PG के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के ध्यान रखें।
एमए वाले बच्चों की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि एमए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी वेट करें, प्राइवेट बच्चे और एमए फाइनल रेगुलर भी, उनका जो एग्ज़ाम है मेरे सामने शायद 10 मई के बाद में हो, ऐसे कुछ आसार फिलहाल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हैवी एग्ज़ाम्स हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम है परीक्षा केंद्रों पर, तो शायद यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइम ले सकती है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि इसमें इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, और उसके बाद जब भी ये एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आएगा शायद 25 तारीख तक आ जाए, और उसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे। और एमए के ही रिगार्डिंग में एक चीज़ और आप लोगों के साथ साझा करूँगा कि इसके भी कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पुराने पेपर्स में आप लोगों के साथ जल्दी अगले कुछ दिनों में, एक या दो दिनों में ही साझा कर दूंगा। देखिए जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें साझा करूंगा। मैंने पहले कहा कि देखिए मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कैमरा नहीं है, सारी चीज़ें मोबाइल से होती हैं, और मोबाइल से जब इन चीज़ों को हम लोग डील करते हैं तो बहुत सारे लैग्स आते हैं, कुछ समय समस्याएं आती हैं, नेटवर्क इशू आता है, कई बार स्टोरेज का इशू आता है, तो बहुत सीमित तो या लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ संवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को थोड़ा एक्नॉलेज भी करेंगे कि हाँ ये आप लोगों के लिए की गई मेहनत है, और यदि आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए की गई मेहनत है तो एक बार आप कम से कम जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद कमेंट्स जरूर ड्रॉप करें कि हाँ सर इट इज़ यूजफुल फॉर अस, क्योंकि ये कुछ लोग जो बहुत मतलब अजीबो तरीके के कमेंट कई बार कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हम लोग बात क्या कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक प्रकार से सलाह है कि बेटा आपत्तियां करना बहुत आसान होता है लेकिन उनके साथ डील करना, उनको सॉल्व उनका समाधान करना, ये अपने आप में एक टफ टास्क होता है। और यूट्यूब कोई मेरे लिए कोई यूट्यूब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ये एक मीडियम है आप लोगों के साथ संवाद कायम करने का, और मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। इसको लेकर के कोई नकारात्मक माहौल अपने मन में नहीं बनाए, अपने उसमें परसेप्शन में नहीं लेकर के आए, निश्चित तौर पर मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाउ आई कैन हेल्प यू। और जो मैंने कुछ बच्चों के साथ कमिटमेंट किया था कि मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर डालूंगा, तो अभी किन्हीं कारणों से हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है, हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है लेकिन आया नहीं, और आएगा तब उसको इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, तो उसका समाधान फिलहाल तो मैं ये करूँगा कि कुछ दिनों के लिए, एक या दो या तीन दिनों के लिए मैं कुछ इसी चैनल पर साझा करूँगा, उसके बाद सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा पर जैसे ही हमारा स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा उस पर वो क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। शुरू में हम लोग इन क्लासेस को मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल के माध्यम से जो है साझा करने का प्रयास जो है करूँगा, और ये बहुत एक सामान्य सी बातें होंगी, और मैं चाहूँगा कि बेटा आप लोग अपने अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करते रहें। लाइक का बटन अपने आप में मायने इसलिए रखता है कि आई थिंक ये एल्गोरिथम के साथ कई बार यूट्यूब ये करता है कि यदि किसी वीडियो के ऊपर लाइक ज़्यादा आते हैं तो शायद उसको वो ज़्यादा बच्चों के साथ साझा करता है, और इट इज़ हेल्पफुल फॉर लॉट मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार होता क्या है मैं ऐसे अमूमन नहीं करता कि मैंने थंबनेल में कुछ और डाला और आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें साझा की, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ साझा अमूमन करता हूँ जो थंबनेल में शो की है, यानी बेवजह मैं अपने बच्चों का टाइम खराब क्यों करूँ, राइट। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के काम की ये चीज़ें नहीं होती है तो दे कैन एस्केप इट, वो ना देखें, जिनके काम की हैं वही देखें, क्योंकि दिस इज व्यूअर्स चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते, इसके लिए मतलब एक जो क्रिएटर होता है उसके लिए ये चीज़ है कि उसके लिए तो अपनी एक ऑडियंस है और वो अपने बच्चों के साथ इस चीज़ों को साझा कर ही रहा है, और यू आर नॉट ओनली माय ऑडियंस, यू आर माय स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो उस हिसाब से मैं आप लोग के साथ चीज़ें जो है साझा करता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ और गुड लक।